स्कूल माई सेल्फ जसवंत सिंह। आज बच्चों कम्बिनेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इम्पोर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर वन है, ए कमिटी इज टू कंसिस्ट ऑफ 4 मेन एंड 3 विमेन, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज आर पॉसिबल इफ 7 मेन एंड 4 विमेन आर एलिजिबल। ओके, तो वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट कमिटीज। ओके, टोटल एलिजिबल मेन कितने हैं हमारे पास? 7। 7 हमारे पास है टोटल मेन एंड विमेन। एलिजिबल मेन कितने हमारे पास? टोटल हमारे पास 7 है और विमेन कितने हैं? वो है दैट इज 4। और इसमें से हमें सेलेक्ट करना है 4 मेन और इसमें से कितने वुमेन सेलेक्ट करना है? 3 वुमेन। तो नंबर ऑफ कमिटीज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ कमिटीज टोटल नंबर ऑफ कमिटीज क्या हो जाएंगी बेटा? देखो टोटल एलिजिबल मेन है हमारे पास 7। 7 में से वी हैव टू सिलेक्ट 4 मेन एंड टोटल एलिजिबल वुमेन है 4। तो 4 में से सिलेक्ट करना है 3। जब ये स्टूडेंट्स एंड वर्ड आता है तो मल्टीप्लाई होता है, अगर और होता तो इसमें प्लस करते हैं। ओके, आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। तो जब भी एंड आता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। 7 4 मींस 7c3। 7c3 को कैसे खोलेंगे? 7 6 × 5 और 3 × 2 × 1 और 4c3 का मतलब है 4c1। 4c1 कितना हुआ? 4 के बराबर। कैंसिल आउट। 7 5 का कितना हुआ? 35 एंड 35 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 4 5 20, 4 3 12 एंड 2 14। तो 140 कमिटीज होंगी। ओके, नाउ आई विल टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, ए कमिटी ऑफ 8। ए कमिटी ऑफ 8 इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 मेल्स एंड 8 फीमेल्स। In how many ways can it be formed so that the males may not be outnumbered? Outnumbered means male की जो number है female से कम नहीं होना चाहिए। Male minority में नहीं होना चाहिए। Means male की number female के equal तो हो सकती है लेकिन उसके कम नहीं। As per the condition of the given problem. Okay. तो नंबर ऑफ वेस कितने हो जाएंगे ध्यान रखना। अब हमारे पास मेल, तो फर्स्ट केस में केस वन 6 मेल्स, क्योंकि 6 मेल से ज्यादा नहीं हो सकते एंड 2 फीमेल। 6 मेल हो और 2 फीमेल्स हो तो ये कमिटी बन सकती है जिसमें कि मेल की जो नंबर है फीमेल से ज्यादा है। केस टू, सेकेंड केस में क्या हो सकता है और लगा करके? 5 मेल्स
का सम देखना 80 होना चाहिए और केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री में क्या हो जाएगा, फोर में एंड फोर फीमेल्स, फोर मेल एंड फोर फीमेल, ओनली थ्री केसेस होंगे यहां पे, क्योंकि अदर अदरवाइज मेल की जो नंबर है फीमेल से कम हो जाएगी, तो वो हमें नहीं करना, मेल फीमेल के इक्वल हो सकती है लेकिन फीमेल से कम नहीं हो सकती, ध्यान रखना। तो ओनली थ्री केसेस आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना, नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म सच टाइप ऑफ कमिटी, तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल मेल है हमारे पास सिक्स, तो सिक्स में से सिक्स का सिलेक्शन एंड टू फीमेल, फीमेल हमारे पास एलिजिबल है एट, एट फीमेल है, तो एट में से दो का सिलेक्शन और लगा हुआ है, तो और लगा हुआ है तो यहां पे प्लस आएगा, फाइव मेल्स, सिक्स में से फाइव मेल का सिलेक्शन एंड एंड लगेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और एट फीमेल में से थ्री फीमेल का हमें सिलेक्शन करना होगा, प्लस फोर मेल्स, मींस वी हैव टू सिलेक्ट फोर मेल्स आउट ऑफ सिक्स एंड फोर फीमेल्स, देन वी हैव टू सिलेक्ट फोर फीमेल्स फ्रॉम द एट एलिजिबल फीमेल, देयर आफ्टर वी विल सिंप्लीफाई इट, यू नो हाउ टू सिंप्लीफाई, सिक्स थ्री सिक्स कितना हो जाएगा वन, एट सी टू, एट सी टू का मतलब क्या हुआ, एट को दो बार ओपन कर दिया और टू इंटू वन, एट को सॉरी एट इंटू सेवन हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई, सिक्स सी फाइव सिक्स आ गया, एट सी थ्री एट इंटू सेवन इंटू सिक्स थ्री टू वन प्लस सिक्स सी फोर, सिक्स सी फोर का मतलब सिक्स सी टू, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो सिक्स सी टू को कैसे ओपन करेंगे हम लोग, सिक्स इंटू फाइव टू इंटू वन, एंड एट सी फोर को कैसे ओपन करेंगे, एट सेवन सिक्स फाइव देर आफ्टर फोर थ्री टू वन, ओके, देर आफ्टर वी विल सिंप्लीफाई दिस एंड दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट, इन सच ए वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द कमिटीज एट गिवन कंडीशन विल बी फॉर्म्ड, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स A polygon has 44 diagonals. We have to find the number of its side. We have to find the number of its side. Okay. Students, we know the formula. How to find the number of sides if number of diagonals are given? Then n c 2 minus n इक्वल टू गिवन है 44, नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास गिवन है 44, आपको पता है एन सी टू माइनस एन, अगर ये करते हैं तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएगा, अब एन सी टू को कैसे सॉल्व करते हैं, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू इंटू वन माइनस एन इक्वल टू हो जाएगा 44, ओके स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाइंग दिस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू एन इक्वल टू 88, ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 88 इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 11 8 जाए 88 11 सॉरी 9 एन स्क्वायर माइनस 11 एन प्लस 8m माइनस 88 इक्वल टू जीरो, दो दो टर्म्स को क्लब करके कॉमन निकाल लेते हैं, n n माइनस
n माइनस 11 n प्लस 8 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट विल बी 11 एंड n इक्वल टू माइनस 8 दिस विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि कभी भी माइनस 8 जो साइड की जो नंबर होगी ऑलवेज नेचुरल नंबर में होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ इट्स साइड्स क्या होंगे, उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स होंगे 11। ओके, नाउ दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व।